नेक्स्ट टॉपिक इज द ओम्स लॉ। जो बेटा ओम्स लॉ है जी, ये आपको देखेगा जी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है किसी भी सर्किट के बीच जो करंट फ्लो कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, ठीक है। एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर बेटा जो करंट होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा, और यू कैन ऑल्सो रिटन लाइक दिस, वोल्टेज डिपेंडेंट ऑन द करंट, ठीक है जी। जो बेटा आप प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करेंगे तो इज द मतलब आप एक लगावेंगे कॉन्स्टेंट, एंड कॉन्स्टेंट इज द आर। सो वी इज इक्वल टू आई आर, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज द करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर ना करंट पास करने के कुछ अड़चन पैदा करते हैं, कुछ रुकावट होती होती है, उस रुकावट को आप क्या बोलते होंगे जी, रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज मेजर होती होती है वोल्ट के बीच, बेटा करंट होता है एम्पीयर च, और रेजिस्टेंस किस होती है जी, ओम के बीच। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एज वी हैव सीन दैट वी इज इक्वल टू आई आर, इसका मतलब बेटा जो आर है दैट विल बी इक्वल टू वी बाय आई, ठीक है जी, और या फिर जो आई है दैट इज इक्वल टू वी बाय आर। मतलब करंट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जिन्नी वोल्टेज ज्यादा होगी उतना करंट ज्यादा होगा, और करंट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब जिन्नी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना करंट कट होगा, ठीक है जी। जिन्नी बेटा अड़चन ज्यादा होगी उतना करंट कट होगा, और जिन्नी रेजिस्टेंस कट होगी उतना करंट ज्यादा होगा, क्लियर। नेक्स्ट अपन कितना एक्सप्लेन जी रेजिस्टेंस बारे, सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय आई, वी का मतलब जी पोटेंशियल डिफरेंस, आई का मतलब करंट। नाउ क्वेश्चन इज की रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर वन लेंथ के ऊपर जी, नंबर टू थिकनेस मतलब एरिया, नंबर थ्री इज द नेचर, एंड नंबर फोर इज द टेम्परेचर। किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ के ऊपर, थिकनेस के ऊपर, किस मटीरियल तो बनी हुई है, मतलब नेचर के ऊपर जी, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। हुण आपां इही स्टडी करना जी कि रेजिस्टेंस लेंथ एरिया के ऊपर किस तरह डिपेंड करेगी, ठीक है। लेट सी, बड़े से पहले अपने को कुछ न्यूमेरिकल्स ने जो तुम ट्राई कर सकते हो, विच आर बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ। सो एक अपने गिवन है ग्राफ बिटवीन द वी एंड आई, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ द वी एंड आई अपन देखा सी कि जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मान लो अगर वोल्टेज जीरो है तो इसका मतलब करंट कितना होएगा जी, जीरो। हुण तुसी जिस तरह वोल्टेज इनक्रीज कर रहे होंगे बेटा हौली हौली करंट भी इनक्रीज हो रहा होएगा। सो ग्राफ अपने को इस तरह आ रहा होएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। जिन्नी तुसी वोल्टेज ज्यादा करी जा रहे हो बेटा उन्ना अपने को करंट भी ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, सैंपल प्रॉब्लम नंबर दिस, बस क्वेश्चन अपन गिवन है कुछ वैल्यूज करंट दिया जी और कुछ वोल्टेज दिया। कहते प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द वी एंड आई, ऑल्सो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है जी। बड़ा एक आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और एक आपने और क्या फाइंड करनी है जी, रेजिस्टेंस। आप लवेंगे ग्राफ पेपर, बड़ा ग्राफ पेपर आप क्या करेंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन के ऊपर आप लगावेंगे जी अपने पैरामीटर। एक्स ऊपर क्या है अपने को वोल्टेज जो कि वोल्ट विच होंगी है, वाई एक्सिस से क्या है करंट जो कि एम्पीयर के विच होंगे, ठीक है। नंबर वन वोल्टेज है 0.85, बेटा ए के ऊपर जो वोल्टेज है 0.85 आ रही है और जो करंट है ए आ रहा है 0.05। तुसी हुण इस तरह जी अगले जो पैरामीटर गिवन ने 1.7 दे ऊपर करंट किन्ना है 0.1, 3.5 ऊपर किन्ना है जी 0.2, ठीक है। बड़ा इस तरह आपने पॉइंट मार्क करके और एक लाइन लगा देनी है, अगर यह लाइन स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब यह अप्लाइंस ओम्स लॉ नु फॉलो कर रहे हैं, और अगर यह स्ट्रेट लाइन ना होंगी तो यह ओम्स लॉ नु फॉलो नहीं करना सी, ठीक है जी। बट अगर आपने हम रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। पहले केस कितनी वोल्टेज है 0.85, ठीक है जी 0.85। बड़ा करंट कितना गिवन है आपको 0.05,
और रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। सो आर विल बी इक्वल टू 0.85 डिवाइडेड बाय 0.05। इजड मतलब है क्या बन जाएगा, 85/5, ठीक है, 17 ओम। तो एक बार ना सेकंड केस चेक कर लो, सेकंड वाले केस दे विच V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है जी, वोल्टेज किन्नी है 1.7, बड़ा करंट किन्ना गिवन है 0.1 × R, रेजिस्टेंस अपनी 17 ओम ही आएगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस फिक्स है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि ओम्स लॉ फॉलो हो रहे हैं। अगर हर केस च रेजिस्टेंस वेरी कर रही है तो इसका मतलब जी ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, दैट इज अ नॉन ओमिक डिवाइस, मतलब ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता जी, ठीक है। नेक्स्ट अपने को आएगा एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। अगर अपने जी ओम्स लॉ नूं वेरीफाई करना तो आप किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए एक कंडक्टर लाओगे, ठीक है, बड़े कप लवेंगे, रियोस्टैट स्विच है, बैटरी है, कनेक्टिंग वायर्स ने जी, एमीटर है, और एक अपने को है वोल्ट मीटर। एमीटर लगाया गया बेटा सीरीज च, और जो वोल्ट मीटर है ये लगाया गया जी पैरेलल दे विच। सर्किट नूं ऑन करके तुसीं जदों इस विच करंट पास करवाओगे तो तुसीं बेटा एमीटर ते वोल्ट मीटर दीआं रीडिंग्स नूं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। उस तो बाद तुसीं रियोस्टैट की हैल्प दे नाल उसकी रेजिस्टेंस चेंज कर दो ते फिर मैजर कर लो, ठीक है। तो इस तरह अपने कोल तुसीं एक ग्राफ बनाओगे, अगर तो ग्राफ बेटा अगर तो ग्राफ की स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका मतलब ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, अगर उस ग्राफ की बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो इसका मतलब जी वह स्ट्रेट लाइन मतलब कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा। और यू कैन ऑलसो चैक द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब रेशियो ऑफ वी एंड आई, जो कि रेजिस्टेंस ही होंगी होंगी है, ठीक है बेटा। अगर तो रेजिस्टेंस कॉन्सटेंट है इसका मतलब ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, अगर रेजिस्टेंस कॉन्सटेंट नहीं हैगी तो इसका मतलब जी ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज अ गुड कंडक्टर्स रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर। बेटा जिसकी रेजिस्टेंस बहुत घट होंगी है मतलब करंट अच्छा पास करेंगे, दैट आर नोन एज अ गुड कंडक्टर। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। पर जिन्हें अपने इलेक्ट्रिक वायर्स ने दैट आर मेड अप ऑफ कॉपर, बिकॉज बेटा कॉपर सिल्वर थोड़ा सस्ता होंगे, सिल्वर के जो वायरस है काफी कॉस्टली होंगे, और इन वायरस के उपर क्या होंगी होंगे इंसुलेशन जो प्लास्टिक की बनी होंगी है, ठीक है जी। इस तो बाद बेटा ऐसे सबस्टांस जिन्हें रेजिस्टिविटी होंगी बहुत ज्यादा, मतलब कि रेजिस्टेंस होंगे बहुत ज्यादा, करंट पास ही नहीं करेंगे, दैट आर नोन एज द इंसुलेटर्स, लाइक रबर या प्लास्टिक, वुड, माइका, एयर एसेट्रा, ठीक है। बड़ा एक होंगे ने एलोइज, एलोइज भी नो डाउट रेजिस्टेंस तो ज्यादा होंगी है बट बेटा स्टिल एक करंट नूं पास कर देंगे होंगे ने, ठीक है, करंट नूं पास कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सटेंटन, मैंगनीन, नाइक्रोम, जिन्हें भी अपने हीटिंग एलीमेंट्स ने लाइक गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, बड़ा इन्हों के क्या होंदा होंदा हीटिंग एलीमेंट, और हीटिंग एलीमेंट किसका बनया होंदा होंदा जी एलोइज का, और किसका होगा वह भी जी नाइक्रोम का, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होंगी होंगी जिस कारण हीटिंग इफेक्ट ये अच्छा प्रोड्यूस करेंगे, क्लीयर।